नॉन स्टैक पे है वाहिद, तमीम पहला ओवर लेके आए तमीम, वालोट की जानिब से पहले गेंदबाज से तमीम, जुई की जानिब से सलामी के बल्लेबाज दानियाल और वहीद। राउंड विकेट से गेंद करेंगे तमीम, दानियाल के काफी अच्छी गेंद उठा के मारा है और चार रन, सीमा रेशा पार करती हुई ये गेंद, चार रन खाता खोलते हुए चार रन से। फिर से एक मरतबा तमीम गेंद करेंगे दानियाल के लिए, दानियाल तैयार, काफी बढ़िया गेंद लेग बाय, कोई रन नहीं मिलेगा, स्कोर में बढ़ती, स्कोर बढ़ता हुआ चार रन दो बॉल। फिर से एक मरतबा दानियाल और वाइड गेंद, दो बॉल पांच रन होता हुआ स्कोर। तमीम फिर से एक मरतबा और विकेट जाता हुआ, काफी अच्छी कैच दी तीन ओवर स्कोर हो चुका, सॉरी तीन बॉल हो चुके हैं, पांच रन स्कोर हो चुका है एलयू के, वालवर्टी के और जुई के बीच ये राउंड खेला जा रहा है। तमीम तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर आइटम रन द विकेट से पहली ओवर की चौथी गेंद फेंकने के लिए, उम्दा बॉलिंग का मुजारा करते तमीम, उतना उम्दा शॉट है लेकिन कोई गलती नहीं, कोई कोई चूक नहीं, कोई कोई भूल नहीं की और एक आसान सा चांस। के लगे हैं जुई को, देखते किसको कप्तान अब मोर्चे पे लगाते हैं, जिम्मेदारियों पे देते हैं कांधों के पर उनके, जुनेद आए हैं, जुनेद देखते हैं कितना बड़ा लंबा खड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होते हैं। एक बड़ा लक्ष्य जरूर देना होगा यहाँ पर एलयू के वालवर्टी को, क्योंकि एक अच्छी टीम, मजबूत टीम यहाँ पर हमारे इलाके की मानी जाती है एलयू के वालवर्टी। 40 से 45 का स्कोर जरूर रखना होगा जुई को, अच्छा इतना अच्छा उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा जुई करती है, अच्छा बॉलिंग अटैक जरूर मौजूद है जुई के अंदर। हैट्रिक का चांस है तमीम को, मेरे ख्याल से अगर तमीम ये हैट्रिक लेते तो इस टूर्नामेंट की पांचवी हैट्रिक होगी। फिर से तैयार तमीम अपने बॉलिंग मार के ऊपर राइट आर्म ऑन द विकेट से, स्कोर वहीं पे थमा हुआ, जमा हुआ, रुका हुआ, तीन रन और अंदर आती हुई गेंद को हल्का सा फेंक के इज्जत दी और इतना अच्छा कमबैक, यकीनन खूबसूरत सा कमबैक किया, स्कोर जा पहुंचा 6 के ऊपर जबकि लास्ट एक गिनाना बाकी पहली ओवर की। उम्दा बॉलिंग का मिजारा किया तमीम ने, तमीम तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर राइट आर्म ऑन द विकेट से एलयू के वालवर्टी के जानिब से। देखिए फहद भाई ये जो मैच है ये शाम की धुंधली रोशनी में चलता हुआ मैच है और जिस तरीके से आप देख सकते हो फील्डिंग वाली टीम यानी वालवर्टी की अगर बात की जाए तो उस टीम के अंदर एक ऐसा फील्डर जो कि फरहान राउत, एक ऐसा खिलाड़ी जिस तरीके से बोरली का एक खिलाड़ी छोटे कद का मुझे उस नाम इब्राहिम बिल्कुल, जिसका सिलेक्शन अच्छे क्रिकेटरों के साथ हुआ था और इस खिलाड़ी का भी हो सकता है आने वाले कुछ दौर के बाद, जिस तरीके से ये खिलाड़ी प्रदर्शन दिखाता है, छोटे से गांव से बिलोंग करता है, छोटे से मोहल्ले से बिलोंग करता है लेकिन इस लेवल का क्रिकेट खेलता है कि टेनिस क्रिकेट की दिग्गज महानुभावों की याद ताज़ा कराता है। ओवरम की अगर बात की जाए तो एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा बल्लेबाज है फरहान राउत, जिन्होंने हाल ही में जिस तरीके से एक टूर्नामेंट हुआ था और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया था। मैच की तरफ आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, तारीफ होती रहेगी लेकिन मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर जुई की टीम को अच्छा स्कोर बनाने की जरूरत है, एक अच्छा टारगेट सेट रखने की जरूरत है। टीम का स्कोर हो चुका है 7 रन, बिल्कुल कम से कम 30 रन की दरकार है इस वाले ग्राउंड पर, एक 30 रन ये चेसेबल क्रिकेट बिल्कुल फाइटिंग स्कोर चेसेबल क्रिकेट माना जा सकता है बिल्कुल। किसी को अगर
बाइक की चाबी किसी को मिल जाए तो प्लीज दीजिए, कमेंट्री बॉक्स में आकर इंसानियत दिखाइए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल, और ईमान उसी का नाम है कि आपके अंदर किस तरीके का, किस लेवल का ईमान है। ले चलते मुकाबले की तरफ, जहां पर क्रिकेट की दुनिया में हाफ पिच का एक अच्छा मैच बनता हुआ नजर आएगा। एक तरफ जुई, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फतबा है। आपकी नजरें आसमान की तरफ, जिस तरीके से कुदरत का करिश्मा खुला आसमान के ऊपर, जिस तरीके से परिंदे अपने मंजिले मकसूद की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बात है। देखिए इसी बीच ले चलते हैं मुकाबले की तरफ। मयूरेश जिस तरीके से लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, ओहो उम्दा गेंदबाजी, वालवटी के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। हाल ही में जिस तरीके से उन्हीं के गांव में एक बड़ा टूर्नामेंट भी रखा जाएगा, बिल्कुल उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन मुकाबले की तरफ आते हैं, मुदस्सिर करदम है, आ जाइए ऊपर। बिल्कुल मुदस्सिर भाई, आपका इंतजार था। और इस ग्राउंड के चुके ओनर भी है। ओ इस बार देखिए खराब गलती, बिल्कुल खराब फील्डिंग जिस, और इन्हीं क्योंकि आउटफील्ड जिस तरीके का है, फील्डर के लिए 13 रन 13 स्कोर हो चुका है, मैं कहते चलूंगा। बिल्कुल आउटफील्ड जिस तरीके का है, फील्डरों को दिक्कत में डालती है गेंद, और चकमा देती हुई 4 रनों के लिए गई थी। इस बार देखिए ये वाली गेंद पर 1 रन आ चुका है फतबाय, और टीम का स्कोर हो चुका है डबल फिगर में 14 रन। बिल्कुल कर सकती है जिस तरीके से हजरत कह रहे हैं, जो बाहर जो बच्चे बैठे हैं प्लीज, जो सामने लेफ्ट साइड में इधर ध्यान दो, अंदर पत्थर मत फेंको ग्राउंड के। आप मैच का मजा लीजिए, लेकिन आप मैच का मजा किरकिरा मत कीजिए। जो दर्शक है, दर्शकों के साथ साथ क्रिकेटरों को खेलने का दिक्कत पैदा हो सकती है। बिल्कुल एक अच्छा मैच बनता हुआ नजर आ रहा है डाउन द विकेट। ओ हो हो, इस बार देखिए अलोंग द कार्पेट शॉट, मिड ऑन के क्षेत्र में खेला, और जुई के बल्लेबाजों को खेलना पड़ेगा, इन दोनों खिलाड़ियों को खेलना पड़ेगा। टीम का स्कोर हो चुका है डबल फिगर में 15 रन, सिंगल सिंगल की मदद से स्कोर को बढ़ाया जा रहा है। ओ इस बार देखिए नजर लग गई फत भाई, क्या कहना चाहोगे। सिंगल सिंगल की मदद से स्कोर को बढ़ाया जा रहा है। ओ इस बार देखिए नजर लग गई फत भाई। 2 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है, टीम का स्कोर हो चुका है 15 रन। मुबीन सर ऑफिशियली स्कोरिंग का काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से मयूरेश लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, जिस तरीके से खिलाड़ियों को, गेंदों को कैप्चर कर रहा है, इतना आसान नहीं होता है। और कैमरामैन के रूप में मयूरेश, उसकी पूरी टीम, सिद्धेश, भावेश, और जिस तरीके से अमोल, दो ओवर के खिताब पे जुई का स्कोर है 15 रन 15 रन। मुकर्राज 2 गेंद 2 ओवर आना बाकी है। इमाद 12 गेंदों में आपको कितना लगता है, कितना लक्ष्य हासिल करना चाहिए, तो कितना अचीव करना चाहिए? मोरल को डाउन मत कीजिए, अभी भी मैच खत्म नहीं हुई है, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, पहली इनिंग बीच मैदान के अंदर जारी है। और जिस तरीके से टीम का स्कोर हो चुका है 15 रन, अभी भी स्कोर को बढ़ाया जा सकता है, अच्छा क्रिकेट खेला जा सकता है, लेकिन सेंसिबल क्रिकेट खेलना जरूरी है, आई हैंड कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है। गेंद के टप्पे का इंतजार कीजिए, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलिए। ओ इस बार देखिए लेट कट खेला, बिल्कुल ऑन साइड की दिशा में अंपायर का इशारा आ चुका है रशद करदमे का कि ये 2 रन है, और इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 17 रन। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर, 3 विकेटें जा चुकी है, तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, पहली गेंद आने के बाद 2 रन। और इसी बीच देखिए फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला फरहान राउत, इनके हाथ में गेंद गई और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। मैंने कहा ना फहद भाई कि सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत है। इस बार देखिए 2 रन के साथ ये दूसरी गेंद पर 1 रन, यानी टीम का स्कोर 18 रन पर। इसी बीच देखिए राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैरों पर गेंद लगी जिसकी वजह से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ उसी स्थिति पर 18 रनों पर। 3 गेंदें हो चुकी, 3 गेंदों का खेल बचा हुआ तीसरी ओवर प्रगति पथ पर। ओ इस बार देखिए अच्छा स्ट्रोक देखने मिला, अंपायर का इशारा आ चुका है 2 रन का। जी हाँ, यही करना होगा, क्रिकेट यानी हजरत चौका नहीं, क्रिकेट यानी षटकार नहीं, क्रिकेट यानी 1 रन, क्रिकेट यानी 2 रन, क्रिकेट यानी अपने से अच्छे खेलने वाले को स्ट्राइक देना, क्रिकेट यानी बिल्कुल अंपायर का सम्मान करना,
क्रिकेट यानी पिच की इज्जत करना, क्रिकेट को डिसिप्लिन के साथ खेलो तो खेल का मजा आता है। इसी बीच पर देखो और दर्शकों को भी मजा आता है। इस बार देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला अलोंग द कार्पेट शॉट, फरहान राउत के हाथ में गेंद गई। आने वाले कुछ सालों के बाद इस खिलाड़ी का इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। एक अच्छा खिलाड़ी है और अंडर 19 के रूप में भी अच्छा खेलता है। टीम का स्कोर हो चुका है 21-21 रन। देखिए जुई की टीम की अगर बात की जाए तो फिर से एक बार कमबैक करती हुई नजर आ रही है। इस बार देखिए कितने रन मिलेंगे, जी हां एक रन, और इसी एक रन के कारण टीम का स्कोर हो चुका है 22-22 रन। तीन ओवरों का खेल खत्म हो चुका है फहद भाई, और अब यहां से छह गेंदों का खेल बचा हुआ है। और मैं मयूरेश से भी गुजारिश करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी तरफ भी एक बार कैमरा घुमाए। जिस तरीके से खिलाड़ियों को हीरो बनने का मौका होता है तो दर्शकों को भी बिल्कुल YouTube के जरिए फेमस होने का मौका प्राप्त होता है। देखिए जिस तरीके से चेहरे पे मुस्कुराहट आई हुई है तमीम के, और जाहिद भाई रशद भाई ये आपकी सबकी मेहनत है, इसकी वजह से खूबसूरत मंजर छाया हुआ है। देखिए गेंदबाजी पर कौन आया है, निनाद। 22 हो चुका है स्कोर, इमाद 22 हो चुका है, इमाद आए है, मीनाद आए है बॉलिंग के ऊपर। राइट हम राउंड विकेट से चौथी ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए, इस ओवर इस इनिंग की लास्ट ओवर होगी। अच्छा शॉट लगाया, लॉन्ग ऑन की ओर लगाया, एक रन चुराया, एक रन संतुष्ट होने के बाद स्कोर जा पहुंचा 23 के ऊपर 23 के ऊपर, जबकि लास्ट पांच गेंद आना अभी भी बाकी है। सुफियान और अहमद आ जाओ प्लीज स्टेज पर आ जाओ। उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करना होगा एलियो के वालवर्टी को, उसी तरह जुई को एक अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। तो अपने बॉलिंग मार के ऊपर अच्छा शॉट लगा, स्ट्रेट ड्राइव किया, एक रन चुराया और दूसरे रन पे भाग गए लेकिन मना किया, रोक के रखा। दिखने में नहीं आते ये बात है, इसको जा पहुंचा 25 के ऊपर 25 के ऊपर, जबकि सॉरी 24 के ऊपर 24 के ऊपर, जबकि लास्ट चार गेंद आना अभी बाकी। उम्दा बैटिंग का मुजारा, उसी से उम्दा बॉलिंग का मुजारा वॉलवर्ट की जनम से। राइट राउंड की तरह अपने बॉलिंग मार के ऊपर और एक स्लो गति गेंद, कोई समझ ना सके, बीट हुए, चूके पूरी तरह से, स्कोर वहीं पे थमा हुआ, रुका हुआ 24-24 रन, जबकि लास्ट तीन गेंद आना अभी बाकी शेष। उम्दा बॉलिंग का मुजारा वहां पर, एक रोक के रखा है, बांधे रखा है, कोई खुल के खेलने का मौका पर्याप्त नहीं किया है अभी तक। फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर, राइट हम ऑन द विकेट से तिवर की चौथी गेंद फेंकने के लिए। उम्दा शॉट लगाया, टैप शॉट लगाया, एक रन चुराया और जूझा, दूसरा रन मुकम्मल होता है वहां पर, अच्छी रनिंग बिटो इन द विकेट और अंपायर रशाद का इशारा, दो रन। इसको जा पहुंचा 26 के ऊपर 26 के ऊपर, जबकि लास्ट दो गेंद आना अभी बाकी। उम्दा बैटिंग का मुजारक, सूझबूझ की क्रिकेट जरूर चल रहा है जुबी। दो गेंदों का खेल बचा हुआ है, इन दो गेंदों पर दो बड़े हिट आते हैं तो खेल का नक्शा पलट सकता है। जरूर जरूर राइट अंपायर ने बड़ा बड़ा शॉट लगाया, एक रन चुराया, एक रन संतुष्ट होने के बाद स्कोर जा पहुंचा 27 के बस 27 के ऊपर। देखिए अभी भी एक गेंद आना बाकी है, इस गेंद पर अगर टीम का स्कोर बताऊंगा दोस्त, टीम का स्कोर हो चुका है 27-27 रन। 27 हो चुका राइट हमरा तैयार, लास्ट गेंद फेंकने के लिए इस इनिंग की, इस ओवर की, एक रन चुराया, गचाल से रक्षण यहां पर, दूसरा रन देखते मुकम्मल होता है या नहीं, यस नो यस नो यस नो, और ये एक विकेट, एक बड़ा तिराना गेंदबाजी जरूर है जुई के पास भी, उम्दा बॉलिंग का मुजारा करती है जुई। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना फहद भाई, अक्सर के क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पर प्रेडिक्शन पे ले, अनिश्चितताओं का खेल है कि राजकारण क्रिकेट, और जिस तरीके से ये जो मुकाबला आपको, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से तीन चीज़ें जो कहते चलूँ, गिरगिट और जिस तरीके से राजकारण और क्रिकेट, कब बदलेगा पता नहीं चलेगा। गिरगिट अपना रंग बदलते रहता है, राजकारण बदलते रहता है और क्रिकेट भी बदलते रहता है। सही कहा राजकारण और क्रिकेट, एवरीथिंग इज फेयर एंड क्रिकेट, और वहां पर देखिए एवरीथिंग इज फेयर पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट, ये दो चीजों में कभी भी कैसा भी बदलाव हो सकता है, आपने देखा होगा पॉलिटिक्स और क्रिकेट के अंदर कभी कहां किसी का पलड़ा भारी, कभी किसका पलड़ा कहां भारी। देखिए मुदस्सिर भाई भी सोच रहे हैं कि क्या मैच बनी हुई है खूबसूरत अंदाज में, जिस तरीके से उसी के ये ग्राउंड के मालक भी है और जिस तरीके से इस खूबसूरती को बरकरार रखा है जाहिद खलीफ है, और साथ ही साथ मुदस्सिर भाई बिल्कुल क्या बात है, जाहिद खलीफे, साथ ही साथ जिस तरीके से रशद करदम है, मुस्तकीम हुरजुक, मुबीन सर, आतिक सर, क्या बात है, वो भी देख रहे हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस साल में
ये अयान बॉयज का आयोजित किया हुआ टूर्नामेंट जो है ना पीछे की ओर जरा घुमाए पीछे की ओर ये देखिए जरा बच्चे आयोजकों के बच्चे जो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं क्रिकेट देख रहे हैं आप देख रहे हैं कैसे झूम रहे हैं वहां पर दरख्तों के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं यहां पर एक पिकनिक का ऐसा लग रहा है पिकनिक करने आए यहां पर ये देख सकते हैं आप हमारे कैमरामैन जय गणेश की जानिब से आपको लाइव टेलीकास्ट 185 कंट्री में 185 कंट्री में लाइव दिखा रहा जा रहा है ये मैच अयान बॉयज का मैं जय आप जय गणेश के माध्यम से 185 कंट्री में 185 देशों में ये मैच अयान सॉरी 195 देशों में ये मैच लाइव देख सकते हैं आप यूट्यूब के माध्यम से जय गणेश लिंक के माध्यम से और बिल्कुल जिस तरीके से एक अच्छा मैच बनता हुआ नजर आ रहा है देखना होगा किस तरीके से कमबैक की जाएगी और दर्शक सिद्धेश कितने दर्शक जुड़े हुए व्यूअर्स कितने व्यूअर्स है सर अभी चल रहे कितने व्यूअर्स है भवेश भाई 127 ये आगे बढ़े 1K तक जाए उसके बाद 100K तक जाए और ये अच्छा टैप शॉट खेला एक रन चुरा उमदा वहां पर उमदा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के दरमियान दो बॉल हो चुके हैं अभी तक एक ही रन बनाया है कोई खुल के खेलने का मौका नहीं फराहम किया अभी तक उमदा बॉलिंग का मुजाहरा कातिलाना गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं यहां पर जुबी की जानिब से कितने व्यूअर्स 25 कल तक 25,000 थे क्या बात है 25,000 वीडियो के 25,000 व्यूज एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए मयूरेश के लिए क्या बात है इस छोटे से बंदा अपनी मेहनत के बलबूती पर इस मकाम पर पहुंचा है कि ऊपर वाला जब देने पे आए तो वो रुकता नहीं है और उसी तरीके से देता हुआ नजर आता है क्या बात है बहुत ही अच्छी तरीके से स्कोर कर रहा है मेहनत कर रहा है कि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला मेहनत करो तो तभी आपको सफलता मिल सकती है वो इस बीच देखिए ये गेंद को खेला है ऑन साइड की दिशा में अलोंग द कार्पेट शॉट एक रन आसानी के साथ क्या कहना चाहोगे फत भाई जिस तरीके का ये पिच है ये विकेट है कॉन्क्रीट का विकेट है स्किड होती है गेंद तेजी के साथ और फोकस करना होता है आई हैंड कॉन्टेक्ट अच्छा होना होता है क्योंकि पहली इनिंग के दो ओवरों में समीकरण कुछ और था गेंदबाजों के जरिए वो मैच बनती हुई नजर आ रही थी लेकिन आने वाले दो गेंदों पर काफी हद तक कोशिश की बल्लेबाजों ने जहां पर इकोनॉमिकल ओवर को हटाकर स्कोर को बढ़ाने की कोशिश की और 28 स्कोर हो चुका 27 रन ओ इस बार देखिए विकेट क्या कहना चाहोगे फत भाई जिस तरीके से ये गेंदबाजी एक गेंद आना बाकी है अच्छा कमबैक किया जा रहा है यकीनन उमदा बॉलिंग का मुजारा अभी तक 5 गेंद फेंके हैं 3 ही रन दिया है और एक विकेट प्राप्त किया है हासिल किया लेकिन, है लेकिन फौज भाई कहते चलो कि बैट्समैन के हाथ में बल्ला है उसका बोल वाला हो सकता है क्योंकि बैट्समैन अगर गेंद को ट्रीट करता है तो स्कोर बढ़ सकता है ओ लेकिन फर्द भाई कौन कहता है कि टेनिस क्रिकेट हाफ पिच के अंदर सिर्फ बल्लेबाजों का है मैं तो कहता हूं गेंदबाजों का भी है अगर आपके पास फिरकी के जादूगर है जाहिद भाई सुफियान तो जरूर कमबैक कर सकते हो और वही नजारा पेश आ रहा है लेकिन खूबसूरत काबिले तारीफ बॉलिंग का मुजारा किया जुवी ने एक नपीतुली बॉलिंग का मुजारा किया एक ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए और एक विकेट प्राप्त किया है फहद भाई इस गेंदबाज ने क्योंकि जो पहला आपका जो ओवर होता है जो पावर प्ले का ओवर होता है आप पावर प्ले के अंदर कम से कम 10 से 12 रन जब बनाते हो तो थोड़ा सा प्रेशर आप डिक्रीज करते हो लेकिन ये देखे कि आपने सिर्फ 3 ही रन बनाने दिए हैं और माजिद भाई भी देख के ले रहे कल उन्हें खेलना है मैच के अंदर जिस तरीके से शाहिद टोलकर की भी वापसी होगी मोहम्मद टोलकर आजाद का वक्त करीब है से मैच जल्द से जल्द करे देखिए उनकी भी वापसी होगी देखिए फहद भाई आप मेरे साथ जुड़े हो क्रिकेट का वातावरण नजर आ रहा है गेंदबाजी का गेंदबाज का नाम बताइए मुनीब देखिए एक अच्छा नाम है बहुत ही प्यारा नाम है लेकिन उसी तरीके से काम करने की जरूरत है क्योंकि पहली ओवर में सिर्फ 3 रन एक विकेट प्राप्त किया गया मुनीब तैयार अपनी बॉलिंग मार के ऊपर टैप शॉट खींचा एक रन चुराया और एक रन से संतुष्ट होने के बाद दूसरे रन के लिए भागा लेकिन थोड़े से स्लिप स्किड होने के बाद एक गच्चा से रक्षण वहां पर अंपायर का इशारा आया 3 रन जहां पर एक रन था हजरत वहां पर 2 रन एक्स्ट्रा मिल चुके हैं
खराब गलती है ना, गलती की वजह से बिल्कुल एक खराब ओवर थ्रो हुआ और तीन रन गए। देखे आपने के स्कोर जा पहुंचा 6 के ऊपर इमाद झट से, जैसी पहली ओवर में जो मेहनत की थी उन्होंने सिर्फ 3 ही रन दिए थे, आपने एक बॉल के अंदर एक पल के अंदर वो 3 रन खर्च किए। क्योंकि आपको बता दे चलो जिस तरीके से 2019 का एक टूर्नामेंट मुझे याद आ रहा है, एक टूर्नामेंट जिसके अंदर फौज भाई कहते चलो जो ब्रेडवेट के 4 छटकर और बेन स्टोक पर भारी पड़े थे, और जिस तरीके से T20 का वर्ल्ड कप का सपना बिल्कुल टूटता हुआ नजर आया था, वो गलती थी, वो गलती जिस तरीके से हुई थी, यानी आपको एक गलती कितनी महंगी साबित होती है उसका समीकरण आपको समझ में आया होगा। ये आपको अभी नहीं समझेगा, आखिरी ओवर के आखिरी गेंद में समझेगा कि क्या मैच बनती इसको जब 6 के ऊपर आइटम और 2 विकेट से और भाई जाती हुई गेंद को अंपायर ने सही परखने दिया, अंपायर का इशारा है व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त स्कोर में बढ़ोतरी है, स्कोर जा पहुंचा 7 के ऊपर। देखिए 4 रन जो दिए है ना, जो 4 रन जो गिरे है, एक बड़ा स्कोर खड़ा हुआ जरूर हुआ है, और गैप में शॉट खेला, ढकेला हल्का सा पुश किया और अंपायर का इशारा आया 1 रन, अतिरिक्त स्कोर में बढ़ोतरी है, स्कोर जा पहुंचा 8 के ऊपर 8 के ऊपर, जबकि 4 गेंद आना बाकी और काफी खराब बॉलिंग वहां पर, एक्स्ट्रा फेंके यहां पे अंपायर का इशारा आया, दो बॉल एक स्कोर मार, वो कह रहे कि तुम्हारा ना 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 ये किधर गए, वो आएगा और वो फैसल भाई भी हाँ हाँ वाले अभी भी आ चुके, क्या बात है। देखिए विकेट जा चुका है इमाद, अभी जो आपका स्कोर हुआ है 9, ठीक है, एक आप अच्छी स्थिति में, थोड़ा प्रेशर आपका ढीला हुआ है, तो आपको इस प्रकार के जब आप शॉट लगाते हो तो थोड़ा सा फिर से जो है आपकी टीम को प्रेशराइज करते हो, इस तरह के आपको शॉट नहीं लगाने होंगे। 2 गेंद आना बाकी, स्कोर है 9, न्यू बैट्समैन नेम प्लीज, हबीब, हबीब आए हैं स्ट्राइक पे, हबीब नॉन स्ट्राइक पे तमीम, लास्ट 2 गेंद आना बाकी, स्कोर है 9, 9 रन्स, 3 अपने बॉलिंग मार के पर आइटम ओवर द विकेट से, अच्छा कमबैक है, अच्छी बॉलिंग की है यहां पर, लास्ट 2 गेंद आना बाकी, तैयार अपने बॉलिंग मार के पर आइटम ओवर द विकेट से, और पैड को टकराए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, उम्दा बॉलिंग का मुजहरा, काबिल तारी बॉलिंग का मुजहरा, स्कोर वहीं पे थमा हुआ, रुका हुआ 9 रन, जबकि लास्ट 1 गेंद आना शेष दूसरी ओवर की, फिर तैयार अपने बॉलिंग मार के पर आइटम ओवर द विकेट से, कदमों का अंपायर का इशारा, नो बॉल, स्कोर जा पहुंचा 2 अंकों में 11 रन, 11 रन, एक बॉल बाकी, 1 टू गो, अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, 5 बॉल हो चुके भाई, 5 बॉल हुए आपके, 11 हो गया स्कोर, एक मिनट हम गिनाते आपको, आ जाइए आप, सॉरी 2-2 गो, माफी चाहता हूं आपसे, मैं थोड़ा यहां पर डिस्कशन, थोड़ा स्कोरिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ,
जूना की टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए आओ। बोलो बोलो।